रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी तक जो आपको प्रोवाइड की जा रही थी वीडियोस, उसमें अभी तक आपने कोई रिटर्न वर्क नहीं लिखा है, लेकिन अब जो आपको काम दिया जाएगा उसमें आपने जो है वो पूरे का पूरे जो जितने भी क्वेश्चंस की करवाए जाएंगे एक्सरसाइजेस के, वो सारे आपने नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करने हैं, अपने नोट्स तैयार करने हैं, एक तरह के आपके नोट्स बन जाएंगे। और ये जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, जितने भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो वन बाय वन आपको करवाए जाएंगे। और आपने साथ साथ है जो अपनी नोटबुक बनानी है, एज अ नोट्स बनते जाएंगे आपके पास, वो आपके पास सेव रहेंगे। और आपके पास रिटर्न वर्क भी है जो आपका चेक किया जाएगा, आपका समर वेकेशंस का वर्क है। और ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको बताए गए हैं, ये टिक जो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये इसके आंसर्स हैं जो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर, आपने ऊपर चैप्टर का नेम मेंशन करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम्स, उसके बाद यूनिट नंबर जो है आपका 9 है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस लिखेंगे, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऊपर मेंशन करेंगे, और फिर उसके बाद वन बाय वन सिर्फ इनके सॉल्यूशंस आप बताएंगे। नंबर वन का जो है मल्टीपल चॉइस का, उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, वो है ए। सेकंड का जो है वो सॉल्यूशन सिर्फ बताएंगे, वो है सी, जो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद थर्ड का बताएंगे सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन आपने नोटबुक के ऊपर लिखना है, पूरा पूरा जो इसकी चॉइसेस हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेंशन नहीं करेंगे। और जो इसके अलावा ये फिफ्थ का सॉल्यूशन देंगे, ये सिक्स का सॉल्यूशन है, और इस तरह से सेवन का सॉल्यूशन आप लिखेंगे उसके अंदर नोटबुक के ऊपर, एट का सॉल्यूशन, नाइन का सॉल्यूशंस भी आपको दिया गया है, इसी तरह से टेन का, इलेवन का, और ट्वेल्व और 13 का सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इस वीडियो के अंदर आपने इसको ध्यान से सुनना है, और इसको साथ साथ आपने नोटबुक के ऊपर अपने नोट्स की सूरत में आपने जो है वो इनके सॉल्यूशन साथ साथ लिखते जाने हैं, ताकि जब आप पेपर्स में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, आपके पास नोट्स बने होंगे, तो आप इजीली जो है इनको पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने साथ साथ ही आपने लिखना है, कोई जो क्वेश्चंस हैं वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। साथ आपको रोज़ के लेक्चर्स में जो सॉल्यूशंस बताए जाएंगे, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, वो भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करना है, जो कि बाद में जो है आपके ये जितने भी आपका रिटर्न वर्क होगा वो बाद में चेक किया जाएगा।